रुक करेंगे अगली खबर का। यूपी के बलिया में पुलिस ने झगड़े की शिकायत पर एक बीजेपी कार्यकर्ता को पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके विरोध में थाने पर जुटे बीजेपी विधायकों के समर्थकों पर देर रात लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। पुलिस पर आरोप है कि उसने बीजेपी कार्यकर्ता पर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। जगह उत्तर प्रदेश का बलिया, थाना नरही के गेट पर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के अगुआ बीजेपी एमएलए उपेंद्र तिवारी। शुक्रवार करीब 10 बजे नरही थाने के गेट पर सैकड़ों लोगों सहित बीजेपी एमएलए उपेंद्र तिवारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तभी पुलिस उनके समर्थकों को समझाने आती है। लेकिन देखते ही देखते लाठियां बरसाने लगती है। और कई राउंड फायरिंग भी करती है। पुलिस के लाठीचार्ज में एक शख्स की मौत, कई महिलाओं से बदसलूकी, कई लोग घायल। वहीं पर स्टेडियम डीएम लोग गेट के सामने आए और हटाकर गाली उली देने लगे, और देने के बाद भगाने लगे। हम लोग नहीं हटे, उपेंद्र तिवारी के साथ में थे। उसके बाद उन लोग डांटा वंटा चलाने लगे और पुलिस हमारे साड़ी भी खींच कर और गिरा दिए। दरअसल ये पूरा मामला नरही थाने की पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता चंद्रमा यादव से जुड़ा है। बताया गया है कि शुक्रवार शाम को बीजेपी कार्यकर्ता चंद्रमा यादव कुछ गाय खरीद कर लाया। पड़ोसी से किसी बात पर झगड़ा हो गया। नरही थाने के एसओ ने चंद्रमा यादव को पशु तस्कर बताकर गिरफ्तार कर लिया और गायों को भी थाने ले आए। बीजेपी कार्यकर्ता ने गाय खरीदी की रसीद भी दिखाई, लेकिन गाय वापस नहीं दी गई। आरोप है कि पुलिस ने 50,000 रुपए भी लूट लिए। इन सबों ने कहा कि हम लोग खरीद के ला रहे हैं, ये वो पर्ची भी दिखाए, फिर भी दरोगा ने कहा कि 6 महीने से मैं तुमको खोज रहा था, बहुत दिन के बाद मिले हो। भगवान को खोजना तो आसान है, लेकिन तुमको खोजना ठीक वो हो गया और मिल गए हो तुम। और इस ये खरीदारी करने गया था, इसके पास पैसा भी था, गाय भी लूट के लेके आया और 50,000 रुपए नगद भी इसके पैकेट से लेकर के आया। इसके बाद बीजेपी विधायक ने कार्यकर्ता के हक में अपने समर्थकों सहित नरही गेट थाने पर धरना दे दिया, जिसको हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि पुलिस आरोपों को नकार रही है। एडीएम और एडिशनल एसपी गए, वो भी लगातार 4-5 चक्रों में वार्ता हुई, लेकिन इसके बाद भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच जब ये हुआ कि भाई अब नहीं मान रहे हैं, तो हम लोगों ने गिरफ्तारी का प्रयास किया। इसी दौरान जो वहाँ के और धरना के लोग बैठे थे, 250-300 के आदमी बैठे थे, वो हो गए। उन्होंने जो है प्रेस पर जो है पत्थर उत्थर चलाना शुरू किया। पुलिस ने उसमें आवश्यक बल में लाठी उठी मारी, नीचे जमीन पटका और फायर उसका टियर गैस एवं रबर बुलेट का प्रयोग किया। एसपी बलिया के मुताबिक पुलिस ने आंसू गैस की गोले और लाठियां तब चलाई जब पुलिस पार्टी पर पथरा हुआ। इस मामले में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। मामला गाय से जुड़ा है, मुमकिन है कि सियासत फिर गर्मा जाए। अनीक अकेला, बलिया, आज तक।